तो दोस्तों, हमारी वॉशिंग मशीन में करंट आना बंद हो गया, या फिर हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो चलनी बंद हो गई है, या फिर दोस्तों हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो स्पिन मोटर तो चल रही है, वॉश मोटर नहीं चल रही है, या फिर हमारी जो वॉशिंग मशीन का सुखाने वाला नहीं चल रहा है। आज मैं आप लोगों को ये सारी क्लियर बातें करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो मैं मानता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो वॉशिंग मशीन में कोई भी ऑटोमेटिकली कोई भी दिक्कत परेशानी होगी वो एकदम ठीक होने वाली है, अगर आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप सारी फुल इन्फॉर्मेशन के बाद माध्यम से आज बताने वाला हूँ कि वॉशिंग मशीन को छोटी से छोटी तरकीब से किस प्रकार से चेक किया जाता है और क्या क्या दिक्कत होती है, उसको किस प्रकार से ठीक किया जाता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले जो हमारे टॉपिक कुछ है उसमें बात करेंगे, जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन में करंट नहीं आ रहा है, ठीक है, या हमारी जो वॉशिंग मशीन की दोनों मोटर नहीं चल पा रही हैं। अगर ये कंडीशन आप लोगों की वॉशिंग मशीन में है तो आप लोगों को क्या क्या चीजें चेक करने की जरूरत है और क्या क्या चीजें हम लोगों को चेक करनी चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर ये वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम है कि हमारी जो मोटर है दोनों सुखाने वाली भी और धोने वाली भी वो नहीं चल रही है, ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप लोगों को जो प्लग होता है हमारा, जो वॉशिंग मशीन का हमारा एक मैन लीड होती है, उस लीड को हम डायरेक्टली प्लग में लगाते हैं, ठीक है। तो उसको आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है कि हमारा जो प्लग है वो करेक्ट रूप से उसमें 220 वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर उसमें एक तार में लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो आप लोगों को चेक करना है कि अच्छी तरीके से किसी बल्ब को जला कर देख सकते हैं, या फिर मोबाइल का चार्जर उसमें लगा कर देख सकते हैं कि हमारी जो वॉशिंग मशीन का प्लग है उसमें लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए, अगर लाइट नहीं आ रही है तो उसको आप रिप्लेसमेंट कर लीजिए, उसकी आप लोगों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। अगर लाइट आ रही है तो आप लोगों को करना है, जो हमारी मेन लीड होती है पूरी एक बड़ी सी लीड होती है, वहां पर कभी कभी ऐसा होता है वो कट जाती है, या फिर मशीन के नीचे आने के बाद उसमें थोड़ा रिगड़ा वगैरह लग जाता है, या फिर चूहे वगैरह उस वायर को काट देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वो अच्छी तरीके से लीड चेक कर लेनी है एक बार कि हमारी जो लीड है वो कहीं से कटी उटी तो नहीं है, या फिर किसी प्रकार से चूहा वगैरह ने तो नहीं काट रखी है, ठीक है। अगर आप लोगों की लीड अच्छी तरीके से होगी तो दोस्तों तभी हमारा क्या होगा, आगे का प्रोसेस चालू होगा। अगर दोस्तों वो लीड भी हमारी अगर कटी हुई है तो उसको आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर लीड सही है तो उसके अंदर आप लोगों को एक छोटा सा फ्यूज देखने के लिए मिलता है। अगर वॉशिंग मशीन आप लोगों की नई है या फिर पुरानी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर एक सप्लाई फ्यूज होता है, जो कि हमारी पूरी वॉशिंग मशीन को, अगर वो फ्यूज छोटा सा उड़ जाए तो, अगर वो दोस्तों फ्यूज उड़ जाता है तो हमारी जो वॉशिंग मशीन है उसमें अंदर करंट जाना बंद हो जाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, वो फ्यूज आप लोगों का जब भी उड़ेगा जब आप लोगों की वॉशिंग मशीन में कोई ना कोई कमी होगी, ठीक है, यानी कि या फिर चूहे ना कोई काटा होगा, तार तो फॉल्ट हुआ होगा, या फिर कहीं पर पानी वगैरह आया होगा तो फॉल्ट हुआ होगा। तो इस कंडीशन में आप लोगों को वो फ्यूज के साथ साथ सारी वायरिंग भी चेक कर लेनी है, कहीं पर हमारी शॉर्ट सर्किट वॉशिंग मशीन में हुई तो नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों हमारा फ्यूज भी चालू हुआ तो सबसे ऊपर की साइड आप लोगों को जाना है, और जाने के बाद जो मेन लीड के वायर होते हैं, आप लोग देख रहे हैं जो टाइमर में दो वायर दिए होते हैं हमारे, ठीक है, यानी कि जो मेन लीड से निकल के दोनों टाइमर में जाते हैं, तो आप लोगों को एक बार वो भी चेक कर लेने हैं कि कहीं पर चूहों ने दोनों वायर तो नहीं काटे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर वॉशिंग मशीन में सारी सप्लाई आप लोगों की नहीं आ रही है तो ये चीज आप लोग चेक कर लीजिए। उसके बाद आप लोग, मैं 100% यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को कि आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो एकदम करेक्ट अच्छी तरीके से ठीक होने वाली है। तो दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्लग को चेक करना है, उसके बाद मेन लीड को चेक करना है, उसके बाद आप लोगों को फ्यूज को चेक करना है, और उसके बाद उसकी वायरिंग को चेक कर लेना है, कहीं पर हमारी वायरिंग चूहे ने तो नहीं काटी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं मानता हूँ, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरीके से वीडियो में सीखा होगा कि किस प्रकार से अगर वॉशिंग मशीन में करंट नहीं जा रहा है तो उसको किस प्रकार से चेक किया जाता है और क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा। तो आज के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में वॉशिंग मशीन के न्यू पार्ट के साथ, सेकेंड पार्ट के साथ, और उसमें हम सीखेंगे कि वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर अगर नहीं चल रही है तो उसको किस प्रकार से ठीक करते हैं और उसको किस प्रकार से चेक करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।